नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो ब्राह्मण हैं वो कहते हैं सत्यमेव जयते हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है देखते हैं। ब्राह्मणवादी बड़े जोर शोर से नारा लगाते हैं सत्यमेव जयते, अर्थात सच्चाई की सदा जीत होती है, सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं जीतता। सम्राट अशोक के चार शेरों वाली मूर्ति जो आजकल भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके नीचे भी सत्यमेव जयते लिखा गया है। दावा तथा प्रचार किया जाता है कि यह नारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अतः ब्राह्मणवादी यह दावा करते हैं कि उनका धर्म सत्य की जीत होने की बातें करता है, लेकिन यह नारा ब्राह्मण धर्म पर हमेशा झूठा साबित हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में सत्य की कभी जीत हुई ही नहीं। ब्राह्मण धर्म का पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता की हत्या करके सत्यमेव जयते का नारा लगाया है। इसके लिए कुछ उदाहरण हैं, सुनिए। पहला, अपनी बेटी से बलात्कार तथा अपनी पोती से कुकर्म करने वाला उनका सृष्टिकर्ता है, सबसे बड़ा भगवान। सती साध्वी नारियों से बलात्कार करने वाले को सृष्टिपालक बताया जाता है, और अपने लिंग को पुजवाने वाला दिन के 24 घंटे वासना में लिप्त रहने वाले को कामदेव को नष्ट करने वाला बताया जाता है, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगला उदाहरण सुनिए, माँ के बराबर नारियों से व्यभिचार करने वाला, भाइयों के हाथों भाई को मरवाने वाला, सगी बहन को शादीशुदा पुरुष के हाथों अगवा करवाने वाला, सगी मामी से नित्य मैथुन करने वाला, धर्म की रक्षा के लिए अवतरित भगवान बताया जाता है, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगला उदाहरण है, अपनी पूरे दिनों की गर्भवती पत्नी को धोखे से घर से निकालने वाला, लोगों को छिपकर धोखे से मारने वाला, लोगों की बहन बेटियों के नाक कान काटने वाला, पूजा करते संतों की हत्या करने वाला, तन और मन से नपुंसक, आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगला उदाहरण है, जिन लोगों ने यज्ञ की आग में बैल, घोड़े, बकरे और गाय भून भून कर खाए, सरेआम शराब पीकर सबके सामने पराय औरतों के साथ व्यभिचार किया, वैश्याय देखते हैं जिनके वीर श्रृंखलित हुए, वे ऋषि मुनि यानी मन को बस में करने वाले साधु संत कहे जाते हैं, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगला उदाहरण है, वेद पुराण स्मृति उपनिषद महाभारत रामायण गीता में एक घटना तो क्या एक लाइन भी नहीं है जो सच्चाई पर नैतिकता पर चलने की शिक्षा देती हो। नाइट क्लबों से भी अधिक अश्लीलता से भरे पड़े हैं इनके ग्रंथ, तब भी इन्हें धार्मिक बताया जाता है, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। कसाई भी शर्मिंदा हो जाए ऐसी विभक्स खौफनाक बलियों से भरे पड़े हैं उनके यज्ञ। 2000 गायें रोजाना यज्ञ में काट कर ब्राह्मणों को खिलाने वाला रंती देव को भी ब्राह्मण महादानी बताते हैं, और 20 बैल एक बार के यज्ञ में भून कर खा जाने वाले इंद्र को देवताओं का राजा बताया जाता है। अपनी शादी में सैकड़ों गाय कटवाने वाले कृष्ण को गोपाल यानी गाय पालने वाला कहा जाता है, ऐसे लोगों को गौरक्षक बताया जाता है, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगला उदाहरण है, विवेकानंद जैसे ब्राह्मणवादी जब पश्चिमी जगत को लेडीज एंड जेंटलमैन की जगह भाइयों और बहनों कहकर संबोधन करते हैं, तो बरबस मनोज कुमार का वह गाना याद आ जाता है, कपड़ा है देसी और मुहर लगी जापान की, जय बोलो मेहमान की। विवेकानंद को पक्का पता था कि ब्राह्मणों के किसी भी ऋषि, किसी भी भगवान, किसी भी नायक ने कभी किसी पराय औरत को बहन बेटी या माँ का दर्जा नहीं दिया। ब्रह्मा से लेकर गांधी तक सभी ब्राह्मणवादियों ने नारी का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शोषण किया। अगर नारी को इज्जत दी तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने दी, या उन्हीं के श्रवण संस्कृति के मसालची संतों यानी कबीर, रैदास, नानक ने दी। फिर भी विवेकानंद की यह निष्ठा ही थी, उसने बुद्ध महावीर की शिक्षाओं को ब्राह्मणिक बताकर लोगों के सामने परोसा। ब्राह्मणों का कोई देव पराई तो क्या अपनी बहन को भी बहन कहने वाला नहीं हुआ, लेकिन विवेकानंद जैसे लोग हिंदुओं को ऐसे देवों पर गर्व करने के लिए कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगला उदाहरण है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक धर्म और समाज में लिखा है कि हिंदू वह है जो चारों वेदों को धर्म का मूल माने, चारों आश्रमों तथा चारों प्रयोजनों को अपनाए। अपनी अन्य पुस्तक भारतीय दर्शन में उसने लिखा कि भगवान बुद्ध हिंदू जन्मे थे, हिंदू जिए तथा हिंदू ही मृत्यु को प्राप्त हुए। वह बिल्कुल अच्छी तरह से जानता था कि भगवान बुद्ध ने हमेशा वेदों की निंदा की है, उसके चारों आश्रमों, चारों प्रयोजनों का खंडन किया है, उन्हें किसी भी आधार पर हिंदू नहीं कहा जा सकता। लेकिन
राधा कृष्णन ने लोगों को गुमराह करने के लिए धूर्त पूर्ण झूठ बोला। ऐसे झूठे और धूर्त आदमी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगला उदाहरण सुन के तो आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। अगला उदाहरण है, आर्य अपनी बेटियों को दाव पर लगा देते थे, शर्त जीतो और लड़की ले जाओ। सीता को उसके बाप ने दाव पर लगाया, कोई भी धनुष उठाओ सीता को ले जाओ। जिस समय सीता को दाव पर लगाया गया वह 6 वर्ष की थी। उस बेचारी बालिका को तो पता भी नहीं था कि कोई उसे जीत कर ले जा रहा है। द्रौपदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसी घटनाओं को स्वयंवर अर्थात वधू द्वारा मन मर्जी का वर स्वयं चुनना कहा जाता है, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगला उदाहरण है, आर्य पांडव इतने पक्के और नीच जुआरी थे कि धन संपत्ति तो हारे ही, अपनी पत्नी तक को जुए में हार गए। फिर भी जुए में हारी संपत्ति के लिए अपने भाइयों से लड़ मरे। जुए की संपत्ति के लिए की गई मार काट को धर्म युद्ध का नाम दिया गया, और फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगला है, ब्राह्मणों का कोई देव कोई देवी बिना हथियारों के नहीं है, उनमें ऐसा कोई नहीं जिसने कत्ल ना किए हो। फिर भी दावा किया जाता है कि ब्राह्मणवाद जो धर्म है वह अहिंसा प्रिय धर्म है, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगला है, महाभारत में महावीर एकलव्य को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बताया गया है, लेकिन अर्जुन को सबसे बड़ा धनुधर साबित करने के लिए ब्राह्मण द्रोण ने महावीर एकलव्य का दाहिना अंगूठा काट लिया। इस तरह सर्वश्रेष्ठ शिष्य को अपंग करने वाले द्रोण के नाम पर आजकल सर्वश्रेष्ठ अध्यापक या गुरु का पुरस्कार दिया जाता है, और जो खिलाड़ी इस तरह से धोखा करके प्रथम आया उसके नाम पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाता है, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगला उदाहरण है, सत्य की खोज में तर्क और बुद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और उधर ब्राह्मणों के संविधान मनुस्मृति का आदेश है कि जो व्यक्ति तर्क अथवा बुद्धि के आधार पर वेदों स्मृतियों का खंडन या अपमान करे वह सज्जनों द्वारा बहिष्कृत करने योग्य है। बुद्धि और तर्क यानी सत्य से काम लेने वाले लोगों को या तो मार दिया जाता है या फिर जाति से बाहर करके बेदखल कर दिया जाता है, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। जब सरदार भगत सिंह सिरखे नौजवान अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए अपना खून बहा रहे थे, तब गांधी गांव-गांव घूमकर भारतीय नौजवानों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवा रहा था। आज अंग्रेजों के तलवे चढ़ने वाला उस ब्राह्मणवादी को आज़ादी का योद्धा बताया जाता है। उसे राष्ट्रपिता का नाम दिया जाता है। दलितों के पीठ में छुरा घोंपने वाले गांधी दलितों का सबसे बड़ा हितकारी बताया जाता है, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगर ब्राह्मण ग्रंथों को सत्य मान लिया जाए तो ब्राह्मणों ने लाखों करोड़ों जीव को यज्ञ वेदी पर काट कर यज्ञ की अग्नि में भून कर खा लिए, फिर भी वे दावा करते हैं कि उनका धर्म अहिंसावादी है। वो कहते हैं यज्ञ में पशु मार कर खाना तो अहिंसा ही है, क्योंकि जब पशु को यज्ञ वेदी पर काटा जाता है तो खड़ग से प्रार्थना की जाती है, हे खड़ग इस पशु को मत मारना, अर्थात इसे बगैर मारे ही काट देना। लाखों करोड़ों गाय घोड़े बकरे काट कर खा लेने के बाद भी अहिंसामय ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगर आज ब्राह्मण ग्रंथों को सत्य मान लें तो आज गाय को माता कहने वाले ब्राह्मणों के पूर्वज ने करोड़ों गाय मार कर खा लिए। कहावत है ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ब्राह्मणों ने तो करोड़ों गाय खाकर डकार भी नहीं ली। ऐसे करोड़ों गाय खाने वाले आज गाय पूजक बने फिरते हैं। फिर भी देवी भागवत महाभारत विष्णु पुराण जैसे ग्रंथ आज भी गौहत्या और गौमांस खाने को धार्मिक कार्य बताते हैं। दयानंद भी सत्यार्थ प्रकाश में बूढ़ी गाय मार कर खाने की बात करता है, फिर भी ब्राह्मण कहते हैं सत्यमेव जयते। अगर हिंदू संस्कृति में से बौद्ध सिख जैन धर्म के सिद्धांतों को अलग कर दें तो शेष रहेगा वह होगा ब्राह्मणों का सनातन धर्म। धर्म के नाम पर बदनुमा दाग, आदमी को आदमी न समझने वाला, बलात्कारियों बेविचारियों का भगवान बताने वाला मजहब, एक सरी गली परंपराओं का गंदा नाला, बदबूदार अनैतिकताओं के कीड़ों से भरा छप्पर, फिर भी सत्यमेव जयते का नारा लगाकर फलने फूलने वाला मजहब। ब्राह्मण धर्म में जब सत्यमेव जयते का नारा लगाया जाता है तो अंग्रेजी की एक कहानी याद आ जाती है, जिसमें कुछ लोग एक राजा का कत्ल कर देते हैं और फिर वही कातिल नारा लगाते हैं राजा चिरायु हो। ऐसा ही कुछ ब्राह्मण धर्मी करते हैं, वे सत्य का कत्ल करके नारा लगाते हैं सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्ध।